मध्य प्रदेश के रतलाम की इपका लेबोरेटरी औद्योगिक दृष्टि से रतलाम की लाइफलाइन है और यहाँ पर कई प्रकार की लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाई जाती है जिनकी सप्लाई विदेशों तक होती है। लेकिन इन लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाने वाली कंपनी अपने प्लांट से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी के लिए कोई ठोस प्रबंध नहीं कर पाई है और यही कारण है कि इस फैक्ट्री से छोड़े जाने वाला केमिकल युक्त लाल पानी इस फैक्ट्री के आसपास के कई गांवों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है, जिसके चलते सैकड़ों किसानों की जमीन या तो बंजर हो गई है या बंजर होने की कगार पर है। खेतों के बोरिंग, ट्यूबवेल, हैंडपंप केमिकल युक्त जहरीला लाल पानी उगलते हैं। यह समस्या गर्मी में और विकराल हो जाती है, जिसके चलते ग्रामीणों को अपने खेतों में उगाई फसलों में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि जब वो अपने ट्यूबवेल बोरवेल का पानी खेतों में फसलों के लिए डालते हैं तो अधिकांश फसलें नष्ट हो जाती है या पूरी तरह से ग्रोथ नहीं ले पाती और ख़राब होती है। इस पानी के कारण उनकी ज़मीन तो खराब हो ही रही है, साथ ही ग्रामीण लोगों को विभिन्न प्रकार के स्किन और अन्य रोगों को भी झेलना पड़ रहा है और पीने के पानी की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। आसपास की नदियों और छोटे मोटे स्टॉप डैम को भी ये प्रदूषित कर रहा है। ग्रामीण लगातार इस समस्या के निराकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई परिणाम सामने नहीं आ रहा। हर साल ये इसका फैक्ट्री वाले जो काला पानी ये नाले में छोड़ते हैं, जब भारी बारिश होती है उस वक्त नहीं छोड़ते हैं और उसके बाद जब ये सिंचाई का वक्त आता है और नाले में पानी खत्म हो जाता है तब ये काला पानी छोड़ते हैं। तो ये पीने के ट्यूबवेल में भी आता है, जिससे लोग बीमार पड़ते हैं, डेंगू अन्य तरह की समस्या आती है और इससे जब लोग सिंचाई करते हैं तो इससे त्वचा भी खराब होती है, खुजली भी चलती है और 2 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाना पड़ता है उसके। ये क्या नाम है आपका? भरत पाटीदार। ये गांव है जड़वासा खुर्द, यहाँ पर क्या समस्या आ रही है पानी को लेकर, खासकर खेतों के लिए और सिंचाई के लिए? ये जो इपका वाला काला पानी छोड़ रहे हैं इस बरसाती नाले में, बरसात के बाद अक्सर इसमें बहुत ज़्यादा काला पानी हो जाता है केमिकल वाला, और जब हम फसलों में पानी देते हैं तो हमारे हाथ पैर से मतलब पूरे बॉडी में ईचिंग वगैरह होती है और फसलें भी ख़राब हो जाती है। लास्ट टाइम मेरे 3 बीघा की लहसुन का आधा भी उत्पादन नहीं निकल पाया उस जगह में जहाँ मैंने वो लहसुन बोई थी और जिस काले पानी से मैंने उसको सिंचाई किया था। ज़मीन भी ख़राब हो रही होगी? ज़मीन भी ख़राब हो रही है, उससे उत्पादन आधा निकल पा रहा है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो आ रही है। समस्या कितनी बार शिकायतें कर चुके हैं, उसका निराकरण कभी नहीं हुआ। ये कौन सा गांव है और पानी की क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? सर मेरा नाम दशरथ पाटीदार है, जड़वासा खुर्द से हूँ और काले पानी को लेके बहुत बड़ी एक समस्या है, क्योंकि आसपास के गाँव में नहीं है, वहाँ खेत में घर में पीने के लिए सभी वाइट पानी है और अपने यहाँ घर में भी जो ट्यूबवेल लगाते हैं उसमें भी लाल पानी ही आता है, खेतों में भी लाल पानी ही आता है, जिससे पीने की भी बड़ी परेशानी है। 3 किलोमीटर दूर एक सरकारी ट्यूबवेल है, वहाँ से अपने को हाथ में डिब्बे उठा के पीने के लिए लाने पड़ते हैं। कहाँ से आ रहा पानी, किसको शिकायत करी है आपने? सर ये पानी तो करीब करीब इपका फैक्ट्री से ही आ रहा है, हमें यकीन है और हमारे विधायक साहब ने बताया कि ये इपका का ही पानी है, कि ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास और हमने कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया, कलेक्टर साहब ने इस मामले में कोई सुनवाई की नहीं है, अभी तक 15 दिन हो गए। क्या बोले कलेक्टर? और कलेक्टर साहब बोले कि इपका वाला बोल के गया है कि ये उसकी फैक्ट्री का पानी नहीं है, उसके पास सभी प्रकार के सर्टिफिकेट है। खेतों के कनेक्शन भी काट दिए, कई बोरिंग बंद कर रखे हैं आपने, क्या दिक्कत आती है? बोरिंग बंद करने की वजह यही है ना, फसल खराब हो जाती है, 2 बार फसल पिला सकते हैं इस पानी से बस, उसके बाद अगर फसल पिले फसल नष्ट हो जाएगी। गर्मी में खासकर क्या दिक्कत है? गर्मी में खासकर पीने के पानी की दिक्कत है सर, जैसे जैसे अभी तो वाटर लेवल ठीक है, जैसे जैसे पानी बारिश का खत्म हो जाएगा तो घर में जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं पीने योग्य जो पानी है उसमें भी लाल पानी आ जाएगा। कोई बीमारी वगैरह? बीमारी वगैरह होती है ना सर, इसमें हाथ पैर में खुजली चलते हैं, बहुत सी गर्भवती महिलाओं को भी दिक्कत आती है इस पानी की वजह से, जो 4 दिन में उनके प्रसव के टाइम एडमिट करना पड़ता है, उनको 1 महीने पहले एडमिट करना पड़ता है सर इस काले पानी की वजह से। आज ही ये प्रश्न हमारे सामने आया था और टीएल की बैठक में इस जड़वासा और खुड़ेल की जो आप बात कर रहे हैं, तो मैंने इरीगेशन डिपार्टमेंट, पोल्यूशन डिपार्टमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल के डिपार्टमेंट को, इन सभी को मैंने बताया है, वो जाके मौके पे जांच करेंगे और देखेंगे पानी के प्रदूषण की क्या समस्या है। और निश्चित रूप से हमारा ध्येय हर घर पे स्वच्छ जल पहुँचे, यही हमारा ध्येय है, ताकि स्वास्थ्य और जिले में जो दूसरी स्वास्थ्य लोगों का बना रहे और जो किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो वो दूर हो।